अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में सीन से लेकर फा तक के हुरूफ को यानी जबर लगाकर कटे हुरूफ के ऊपर जबर लगाकर हमने लिखा, पढ़ा और समझा। आज हम यहाँ पर कॉफ से लेकर या तक के हुरूफ को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में यहाँ पर फा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें पढ़ना है जबर क। तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉफ जबर क। इसी तरह हमें कॉफ जबर क हुरूफ को लिखना है। पहले मुफरद हुरूफ काफ लिखेंगे, कॉफ लिखकर उसी की कट्टे है। तो हम यहाँ पर कॉफ जबर क, इसी तरह बीच में आने वाली कॉफ, तो इसी तरह हमें बीच में आने वाली कॉफ लिखकर जबर करना है और एक आखिर में आने वाली कॉफ लिखकर हमें क्या करना है, जबर लगाना है। कॉफ जबर क, तो हमें इसी तरीके से कॉफ जबर क लिखना है। कॉफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, काफ। तो हमें यहाँ पर लिखना है काफ जबर क, ये मुफरद हुरूफ लिखना है। उसके बाद काफ की कटे हुरूफ को हम लिखेंगे काफ जबर क, अधिकाफ। उसके बाद अधिकाफ लिखकर आगे से कट करना है और ऊपर जबर लगाना है। इसी तरह पूरी काफ लिखकर हमें कट करना है, जबर लगाना है, काफ जबर क। काफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, लाम। तो हमें यहाँ पर लिखना है काफ के बाद लाम। हम इसी तरह लाम मुफरद हुरूफ लिखेंगे, उसी के ऊपर जबर लगाएंगे, लाम जबर ल। उसके बाद हमें मुरक्कब हुरूफ यानी कटे हुरूफ, तो लाम के ऊपर जबर लगाना है, लाम जबर ल। उसी के बाद आधी लाम लिखकर हमें कट करना है, लाम जबर ल। उसी के बाद हमें पूरा लाम लिखकर आगे से थोड़ा सा कट करना है, लाम जबर ल। तो ये लाम की तीन कटे हुरूफ है। लाम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हम यहाँ पर मुफरद हुरूफ मीम को पहले लिखेंगे, मीम जबर म। इसी तरीके से उसके बाद आधी मीम जबर म। उसी के बाद आधा मीम लिखकर हमें आगे से कट करना है, मीम जबर म। एक मीम जबर म, इसी तरीके से हमें मीम जबर म लिखना है। मीम के बाद आएगा नून, तो हमें यहाँ लिखना है मुफरद हुरूफ नून। नून के ऊपर जबर लगाना है, नून जबर न। शुरू में आने वाली नून लिखकर हमें जबर लगाना है, नून जबर न। उसी के बाद आधा नून लिखकर हमें आगे से कट करना है, उसी के ऊपर जबर लगाना है, नून जबर न। और एक आखिर में आने वाला नून लिखकर हमें जबर लगाना है, नून जबर न। नून बाद वाव, तो हमें यहाँ पर मुफरद हुरूफ वाव लिखना है। इसी तरीके से वाव जबर व, इसी तरीके से एक कटे हुरूफ मुरक्कब वाव जबर व, हमें सही तरीके से जबर लगाना है, वाव जबर व। वाव के बाद हा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हा जबर ह। इसी तरीके से हमें हा जबर ह भी लिखना है और उसी के ऊपर जबर लगाना है। हा के बाद हम लिखेंगे ता, तो हमें यहाँ पर लिखना है गोल ता। इसी तरीके से हमें ता के ऊपर जबर लगाना है, ता जबर त। इसी तरीके से हमें ता जबर त लिखना है, हुरूफ को समझना है। इसी तरह हम ता जबर त लिखेंगे। उसके बाद कौन सा हुरूफ आया, हमजा। तो हमें लिखना है हमजा जबर अ। तो हम यहाँ पर पहले हमजा लिखेंगे, उसके बाद हमजा की कटे हुरूफ लिखेंगे, हमजा जबर अ। उसके बाद हमजा की दूसरी कटे हुरूफ लिखा है, जबर लगाना है, हमजा जबर अ। हमजा के बाद या, तो हम यहाँ पर या जबर य। इसी तरीके से या जबर य लिखेंगे, या जबर य। शुरू में आने वाली या लिखकर हम इसी तरीके से जबर लगाएंगे, या जबर य। बीच में आने वाली या को लिखकर भी हम इसी तरीके से जबर लगाएंगे, या जबर य। इसी तरीके से हमें या की भी तीनों कटे हुरूफ को लिखकर हमें जबर लगाना है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज क्या, आज हमने कॉफ से लेकर या तक जबर लगाकर हमने लिखा पढ़ा और समझा। तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में हमें ये होमवर्क दो मरतबा करना है। तो हमें कटे हुरूफ के ऊपर जबर लगाकर आसानी से हुरूफ पढ़ते और लिखते आ जाएंगे। तो ये हमारा होमवर्क है, तो हमें होमवर्क अच्छे से करना है, अच्छे राइटिंग से करना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।